नमस्कार, मैं मोहिनी और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। पटना में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित, संपर्क में आने वालों की पहचान हो रही है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के मामले अब एक बार फिर लोगों को चौंकाने लगे हैं। पटना में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह परिवार नेहरू नगर इलाके में रहता है। एक ही परिवार के 2 भाइयों के साथ साथ एक भाई की पत्नी, उसकी बेटी और पिता शामिल है। शुक्रवार को पिता की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया। बाकी 4 लोगों की स्थिति में सुधार है। हालांकि बेटी की तबीयत अभी भी खराब बताई जा रही है। नेहरू नगर के जिस परिवार के कुछ 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, उनके सदस्य दीपावली और छठ पूजा के दौरान बाहर से पटना आए थे। एक भाई रांची से आए और एक भाई साराराम से पटना पहुंचे। परिवार के सदस्य साथ साथ रहे और इसी दौरान एक एक कर सदस्यों को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। रांची से आए एक भाई ने सबसे पहले निजी लैब में टेस्ट कराया। टेस्ट के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई। तब परिवार के अन्य सदस्य ने भी अपना जाँच कराया और यहीं पर 5 अन्य लोग संक्रमित पाए गए। एक ही परिवार के 6 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन में आया। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर के मुताबिक अब संक्रमित परिवार के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इन सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी। पटना में इससे पहले इंग्लैंड से आए युवक को सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उसे कोरोना की जाँच की जा सके। अभी भी रिपोर्ट का इंतज़ार है। नेहरू नगर में एक ही परिवार के 6 परिवार के लोगों को संक्रमित पाए जाने के बाद मोहल्ले और आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, और आगे के तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।